आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं क्वांट एक्टिव फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। तो वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कुछ सालों पहले तक इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो फिर अचानक लास्ट फ्यू ईयर से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आने लगा, और साथ ही हम जानेंगे कि आप फ्यूचर में भी इस फंड से हम इसी तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड का अगर आप इंसेप्शन डेट देखेंगे, दैट इज कब ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो 2001 में ये फंड स्टार्ट हुआ था। लेकिन पहले शायद ही किसी को इस फंड के बारे में पता था, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट अपने कैटेगरी का ये टॉपर रहा है परफॉर्मेंस वाइज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वांट का ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे हो गया ऑल ऑफ अ सडन पिछले कुछ सालों से। तो देखिए, क्वांट अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो ये फंड हाउस रिलेटिवली नया फंड हाउस है। एग्जिस्टेंस में ये रिसेंटली आया है। देखिए, पहले एक फंड हाउस हुआ करता था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड। तो आप पहले का जो परफॉर्मेंस देखते हैं ना क्वांट का, वो स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का है, और वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, इसलिए AUM बहुत छोटा हुआ करता था इन फंड्स का। लेकिन 2018 में क्वांट कैपिटल, जो कि उस समय एक सिक्योरिटीज़ फर्म था और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी था, उसने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को ख़रीदा था, और उसके बाद ये बना क्वांट म्यूचुअल फंड। तो ऑफकोर्स एक दो साल तो किसी भी फंड हाउस को सेट करने में लगता है, इसीलिए 2021 ऑनवर्ड्स इनका जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका बड़ा रीज़न है क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक्वायर कर लिया था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप, एटलीस्ट 25% मिड कैप, और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में किसी भी मल्टी कैप फंड का एक्सपोजर एटलीस्ट 50% जरूर होता है, इसीलिए इन फंड्स को रिलेटिवली रिस्की माना जाता है। नाउ हम क्वांट एक्टिव फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और कुछ और डिटेल्स चेक कर लेते हैं, उससे ये डिसाइड करने में हमें आसानी होगा कि इस तरह के फंड्स में हमें एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आप क्वांट एक्टिव फंड के 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स और बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए, थ्रू आउट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी जगह अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। अपने बेंचमार्क को ये फंड बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। देखिए, यहाँ पे मैंने बेंचमार्क भी इनका मेंशन किया है, Nifty 500 मल्टी कैप 50-25-25। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि फंड का जो परफॉर्मेंस आया है पिछले कुछ सालों से आया है, तो ये 5 ईयर या फिर 10 ईयर का रिटर्न्स इतना ज़्यादा क्यों है, खासकर ये 10 ईयर का रिटर्न्स इतना ज़्यादा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि ये CAGR रिटर्न्स है। तो अगर कोई फंड 1 ईयर या 3 ईयर होराइजन में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करता है, तो जब आप एवरेज आउट करोगे रिटर्न्स को, तो उसके कारण इवन 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स भी आपको अच्छा लगने लगेगा। क्वांट एक्टिव फंड का फंड साइज अबाउट 8500 करोड़ के आसपास हो गया है। यहाँ पे देखिए, इनका इंसेप्शन डेट 2001 से है ये, और रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स देखिए 3 ईयर 5 ईयर, तो शार्प रेशियो तो बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट, 1 से ज़्यादा रहा है 3 ईयर 5 ईयर, जो कि बहुत अच्छा है। सोटिनो रेशियो भी देखिए तो काफ़ी अच्छा है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा का है। जेंशन अल्फा बहुत बढ़िया है, मतलब ऑलमोस्ट 6% का है, ये 8% से भी ज़्यादा है। डाउन साइड डिवेशन देखिए ज़्यादा नहीं है, खासकर रिसेंट टाइम्स में, जबकि अपसाइड डिवेशन बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये है डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे देखिए, एग्जिट लोड है 1%, रिडेम्पशन विद इन 15 डेज, 15 डेज से पहले बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। देखिए, कुछ लोगों को एग्जिट लोड को देखकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो एग्जिट लोड से कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी का 15 डेज का एग्जिट लोड है तो ये शॉर्ट टर्म का फंड है, हम 15 डेज के लिए भी इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी में ऐसा नहीं है, कोई भी इक्विटी फंड हो 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें मिनिमम, और बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है तो 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। यहाँ पे देखिए ना, अगर आप इनका रिस्कोमीटर देखते, स्कीम का रिस्कोमीटर देखिए, वेरी हाई रिस्क, बेंचमार्क भी वेरी हाई रिस्क, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि 50% या उससे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, और रिस्क एपेटाइट भी अग्रेसिव है, वेरी अग्रेसिव रखिए। देखिए, मार्केट कैप वाइज यहाँ पे एक्सपोजर आपको क्लियरली पता चलेगा। लार्ज कैप में देखिए ऑलमोस्ट 44% का एक्सपोजर है, मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए कितना ज़्यादा एक्सपोजर है,
26% 27% का एक्सपोजर है। ये थ्री फंड मैनेजर्स हैं जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसका बेंचमार्क जो कि है निफ्टी 500 और साथ ही निफ्टी 50 दैट इज लार्ज कैप के मुकाबले। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो है 29 फरवरी 2024, क्योंकि ये क्वांट के फैक्ट सीट से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस फंड का परफॉर्मेंस, ये देखिए मैं यही 2020 की बात बोल रहा हूँ, यहाँ से देखिए परफॉर्मेंस इनका लगातार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स के मुकाबले इस स्कीम का वेटेज कहाँ कहाँ है। तो देखिए अगर आप स्कीम का वेटेज देखेंगे ना PSU में तो 12% के आसपास है, जबकि इस फंड ने PSU में 21% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर लिया। और बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण परफॉर्मेंस इतना अच्छा आ रहा है, PSUs में इतना ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण ही अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 23 से भी कम देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए 17% का एक्सपोजर है, रिलेटिवली कम है। ऑयल एंड गैस में 15% का। मेटल्स देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर माना जाता है, यहाँ पे देखिए अगर इंडेक्स का देखेंगे सिर्फ 3% है इंडेक्स में, जबकि इस स्कीम में 13% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो का टॉप 10 होल्डिंग चेक कर सकते हैं। तो रिलायंस और जियो तो इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको मिल जाएगा, 10% रिलायंस, 4% प्लस जियो है। PSUs ऑलरेडी हमने देखा था, PSUs में बहुत बड़ा एक्सपोजर, ऑलमोस्ट 4% का पंजाब नेशनल बैंक। और नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे वहाँ भी आपको बहुत सारे PSUs मिल जाएंगे, IRB इंफ्रा इनके ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको मिलेगा। यहाँ पे TCS में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, अदानी ग्रुप में अगेन इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लेना शुरू कर दिया है। इस पोर्टफोलियो के एक खास बात ये भी है कि इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी में, ऐसा नहीं कि कैश में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है, वो 3% के आसपास है। क्वांट एक्टिव फंड के डिटेल्स हमने चेक कर लिए हैं, नाउ फाइनल कमेंट्स। देखिए पहले स्कॉट्स म्यूचुअल फंड हुआ करता था, परफॉर्मेंस नहीं था, इवन बहुत छोटा था। उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को खरीदा और वहाँ से इनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, लेकिन ये खरीदा गया था 2018 में, उस समय भी देखेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं था 18-19 या फिर 20 के शुरू में। तो देखिए इनका जो पीरियड स्टार्ट हुआ है गोल्डन पीरियड, वो कोविड में जो स्टॉक मार्केट गिरा ना उसके बाद से स्टार्ट हुआ। तो कोविड में स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, उस समय क्वांट के जो फंड्स थे उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा रिस्की सेक्टर्स और स्टॉक्स में किया। तो देखिए उस समय IT के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मेटल और केमिकल स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। लेकिन जनरली मेटल और केमिकल स्टॉक्स को ज़्यादा रिस्की माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं। लेकिन उस समय क्वांट के स्कीम्स ने मेटल और केमिकल के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया था, ऑफकोर्स IT और फार्मा में भी लिया था, लेकिन साथ ही यहाँ भी लिया था। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। उस समय का 1 और 2 ईयर का जो परफॉर्मेंस था मोस्टली इसी से आया था। तो उस समय हमें लग रहा था कि नहीं ये शायद ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आने वाले सालों में परफॉर्मेंस डाउन होगा। बट हाँ अभी तक तो ये क्रेडिट देना होगा कि सिर्फ एक इंस्टेंस को अगर आप छोड़ दें, जब अदानी ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम आया था, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे, इनका एक्सपोजर था वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी कर लिया है। तो अभी तक अगर आप परफॉर्मेंस देखें, कोविड में जब स्टॉक मार्केट गिरा उसके बाद से अभी तक का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है इनका। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना है कि देखिए कोविड के बाद का जो रैली आया है ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का, तो वहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट का मोस्टली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स का बहुत ज़्यादा कोई गिरा नहीं है, या तो फ्लैट रहा या फिर तेज़ी से ऊपर गया है। और जो क्वांट म्यूचुअल फंड का देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्टली अगर सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनका ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इनका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। तो आइडियली ऑफकोर्स अभी तक तो परफॉर्मेंस अच्छा आया, क्रेडिट देना होगा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि स्टॉक मार्केट हमेशा ही इस तरह से अच्छा नहीं करेगा। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि फ्यू मंथ्स तक या फिर 1 या 2 ईयर्स तक का थोड़ा डाउनफॉल भी हो। तो आइडियली हमें देखना होगा कि जब स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है उस समय क्वांट के फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो एक रियल टेस्ट होगा क्वांट के फंड्स का। बट हाँ अभी तक का तो परफॉर्मेंस बिल्कुल क्रेडिट देना होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें,
तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।